तो यो यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी चैनल, जहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में एडवांस सर्वर की, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा फ्री फायर के अंदर जिस चीज का बदलाव होने वाला है अपडेट के बाद उसके बारे में। तो वो अपडेट के बाद जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का क्रेडिट सिस्टम, जो कि फ्री फायर के अंदर आने ही वाला है। मतलब अभी बोल सकते हो कि एकदम कन्फर्म हो ही चुका है कि आपको अपडेट के बाद क्रेडिट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी एंड किस तरीके से ये काम करेगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना, वरना आपका आईडी फ्यूचर में बैन भी हो सकता है। आपका आईडी पे जो मोड रेस्ट्रिक्शंस है वो लग सकते हैं, आप लोग कुछ मोड्स नहीं खेल पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अपने सारे दोस्तों तक ये बात पहुंचा दो, सारे दोस्तों को क्रेडिट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्रेडिट सिस्टम देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल के एकदम नीचे क्रेडिट स्कोर जो है वो शो करेगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैं एडवांस सर्वर खेल रहा था, मेरा एक बार स्कोर माइनस चला गया था। किस तरीके से चला गया था मैं आप लोगों को वही चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्कोर हिस्ट्री, तो गाइस यहाँ पे अगर आप स्कोर हिस्ट्री पे देखोगे तो मेरा यहाँ पे दो जो है ना वो माइनस चला गया था। यहाँ पे मैंने तीन चार मैचेस खेले तो मेरा यहाँ पे दो माइनस चला गया था। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक प्लस हो गया, और उसके बाद मैंने और दो मैचेस खेला, मेरा प्लस हो गया। तो किस तरीके से मेरा ये हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पे क्या सीन था कि यहाँ पे मैंने फोर्स क्रिएट किया था, मतलब गेम से मैंने यहाँ पे बैक कर दिया था। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो जॉम्बी इन्वेशन जो न्यू मोड आया है मैंने वो एकदम फर्स्ट में खेलने के लिए ट्राई किया था, और उधर से मैंने बैक कर दिया था। ठीक है, फोर्सली मैंने मतलब क्विट कर दिया था गेम। तो इसके चलते क्या हो गया, मेरा यहाँ पे अबंडेंट यहाँ पे शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो लाल लाल। तो इसके चलते क्या हो गया कि मेरा जो है ना दो स्कोर माइनस हो गया यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम से। जहाँ पे मुझे 100 स्कोर मिले थे वहाँ पे 98 स्कोर हो गया था मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 98 स्कोर हो गया था मेरा, और मेरे को यहाँ पे मेल बॉक्स पे आ भी गया था इस चीज़, ये चीज़ देखो। यहाँ पे मेल बॉक्स पे दो आप लोगों को, एक तो आप लोगों का मेल शो करेगा जहाँ पे आप लोगों को जो रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं वो मिलेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट फीडबैक का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो आप लोगों के अंदर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे ये वाला आप लोगों का जो स्कोर है वो माइनस हुआ है कि नहीं, वरना आप लोग डायरेक्टली इधर आके भी देख सकते हो। तो अगर आप लोग कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हो, लाइक यहाँ पे आप लोग गेम से बैक कर देते हो, या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे आप लोग रूल्स पढ़ सकते हो, नॉर्मल गेमिंग बिहेवियर जो है ना, अगर आप लोग नॉर्मल गेम खेलते हो, नॉर्मल गेम खेल के बैक कर देते हो तो आप लोगों का ये बढ़ेगा, लेकिन अगर आप लोग कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हो तो आप लोगों का ये कम हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आप लोगों को कौन से चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। देखो एफके जो होता है ना, उसी पे मेनली आप लोगों का माइनस लगेगा। अगर आप गेम छोड़ के यहाँ पे वापस आ जाते हो तो उस पे आप लोगों का वापस लगेगा, मतलब उसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा यहाँ पे माइनस होगा ये वाला क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ योर वायोलेशन रेट इज़ बिलो 30% नो एक्स्ट्रा स्कोर विल बी डिडक्टेड। और अगर आप लोग यहाँ पे आपका जो वायोलेशन रेट होगा वो यहाँ पे 30% से लेकर 40% तक होगा, देयर विल बी 20% एडिशनल स्कोर डिडक्शन। ठीक है, 20% आप लोगों का एडिशनल स्कोर डिडक्शन होगा, जो कि अगर आप एक गेम के अंदर ये बोल रहा है, अगर आप लोगों का वायोलेशन रेट 70 का होगा तो यहाँ पे यू विल फेस 80% एडिशनल स्कोर डिडक्शन। तो ठीक है, तो आप लोगों को वही 3-4 का आसपास यहाँ पे हर एक गेम के अंदर जो है लग सकता है टोटल सब कुछ मिला के। ठीक है, डिडक्शन तो वो किस तरीके से होगा, तो भाई देखो एएफके पहला हो सकता है, अगर आप लोग गेम छोड़ के वापस आ जाते हो तो वो हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ है। कन्फर्म रिपोर्ट्स अबाउट यू एंड सिस्टम डिडक्टेड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर विल डिडक्ट द स्कोर। मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों के ऊपर रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आते हैं, और जो फ्री फायर का जो सिस्टम है उसमें आप लोगों का कुछ भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ना वो अगर यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, लाइक कोई भी आप लोग कुछ भी अगर उल्टा सीधा कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को रिपोर्ट पड़ेंगे तो आप लोगों का जो है ना यहाँ पे ये माइनस हो सकता है। लाइक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी आपके नाम में या फिर गिल्ड के नाम में कोई भी अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ मत करना, और आप लोग यहाँ पे भाई एक चीज़ बोल रहा हूँ, इमोट दिखाने के लिए है तो मेरे हिसाब से उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आपके ऊपर पड़ते हैं तो आप लोगों को कुछ फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के बिहेवियर के ऊपर। भाई अगर ज़्यादा इमोट्स मारोगे तो रिपोर्ट पड़ सकते हैं, भाई कोई गारंटी नहीं है कि रिपोर्ट नहीं पड़ेंगे, बट मेरे हिसाब से मेनली ये हैकर इशू जो है ना उस
उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे गेम में इसको दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे हैक करके खेल रहे हो, कोई भी बंदा, मानो सपोज कोई बंदा हैक करके खेल रहा है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट्स पड़ेंगे। रिपोर्ट्स पड़ने से उसका क्रेडिट स्कोर जो है माइनस हो जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर अगर उसका माइनस होता जाएगा ऐसे ही जितने मैचेस वो खेलते जाएगा, तो इस तरीके से वो बहुत जल्दी जो है ना वो गेम खेलना ऑफ हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसीलिए फ्री फायर जो है ना, अगर उनका जो सिस्टम है जो कि हैक को डिटेक्ट करता है, तो उससे पहले ये क्रेडिट स्कोर के चलते उसका जो है ना, अगर आप लोग कोई भी हैकर देखता है तो उसको पक्का रिपोर्ट करो। मेनली हैक का इशू सॉल्व करने के लिए इसको गेम में दिया गया है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा किसी भी प्लेयर के ऊपर रिपोर्ट करोगे ना, तो गाइस उसका जो है ना पक्का यहाँ पे ये वाला जो क्रेडिट स्कोर है वो माइनस लगेगा, और वहां पे 5-10 गेम खेलने के बाद उसका स्कोर बहुत ही कम हो जाएगा, और कम हो जाने के बाद वो और गेम नहीं खेल पाएगा। तो मेनली हैकर इशू सॉल्व करने के लिए है। बट अगर आप लोग गेम से बैक कर देते हो, या फिर गेम में अगर आप लोगों का नाम के अंदर कुछ अब्यूजिव वर्ड्स है, तो अगर आप लोगों के ऊपर रिपोर्ट्स आते हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा एफके लग सकता है। बट हाँ, अगर आप लोग एक गेम में अगर थोड़ा सा आप लोगों का ये क्रेडिट स्कोर माइनस हो जाता है, तो दूसरे गेम से उसका रिकवर कर सकते हो। मतलब दूसरा गेम अच्छे से खेलो, अच्छे से बुइया मारो, और एकदम आपका रिकवर हो जाएगा। अगर आप लोग बुइया अच्छे से करते हो, किल वगैरह अच्छे से करके नॉर्मली खेलते हो, एफके वगैरह आपके आईडी पे नहीं लगता, तो आप लोग नॉर्मली उसको रिकवर कर सकते हो, लाइक जैसा कि मैंने किया है। और आप लोगों को वीकली रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप लोगों का 7 दिन के अंदर अगर आप लोगों का स्कोर इससे अच्छा वगैरह है, तो आप लोगों का यहाँ पे वीकली रिवॉर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश किया इसके बारे में। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों का 100 से कम हो भी जाता है, तो भाई धीरे धीरे करके आप उसको रिकवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर एकदम बहुत कम हो जाता है, तो आप लोगों का यहाँ पे कोई भी मोड, आप लोग पर्टिकुलर मोड नहीं खेल पाओगे, या फिर आप लोग टीम के साथ नहीं खेल पाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर आप लोग यहाँ पे इमोट वगैरह दिखाते हो, तो भाई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इमोट दिखाने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप मतलब आपके आईडी के ऊपर ज़्यादा रिपोर्ट्स ना आए। ये मेनली मैं आपको बता रहा हूँ हैकर इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इसको गेम में दिया गया है, ताकि वो लोग मोड से बैन हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों का यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बहुत कम हो जाता है, तो आप लोग कोई भी मोड से, पर्टिकुलर कोई मोड से बैन हो जाओगे, या फिर टीम में खेलने से बैन हो जाओगे। वरना अगर आप लोग अच्छा स्कोर बहुत ही 100 स्कोर से अगर आपका ज़्यादा स्कोर रहता है, तो आप लोगों को हर वीक ये रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे, तो ठीक है। ये था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, क्योंकि मुझे पूरा समझाना था इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखना इस चीज का, एंड कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिल करके खेलो। बस अब्यूजिव जो है आपके नाम के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, और हाँ, हैकर्स आए तो रिपोर्ट करो, ठीक है। तभी वो जाके वो उनका क्रेडिट स्कोर कम होगा, और वो खेलना बंद हो जाएगा उनका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही था वीडियो। गुड बाय एंड पीस आउट। We'll be right back.